ओम शांति। 8/7/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, बच्चे जानते हैं हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलता है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी, और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है, यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यह महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होती है।
अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नरसे नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनायस्टी होगी और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजयमाला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयमाला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहां बाहर ख्यालात ना जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौंदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजोतमों में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वह तो पहले मच्छीमायनी थी, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मायानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहां जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पर पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान उवाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर होंगे, ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी, कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए।
ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चाट रखना पड़े, यह तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहां बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसा करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया, असल में थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सुपूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य है ना पुजारी है। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हैं औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है। मन मनाभव माँ में कम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हैं तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि